दूती दिस क्वेश्चन। दूती जी, न्यूज़9 प्लस शो में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले आपके साथ भी इस तरह की कंट्रोवर्सी, कुछ सवाल रेज किए गए कि आप कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं, यू हैव गॉट एन एडवांटेज आपके फेलो एथलीट्स के ऊपर। हाउ डिड यू हैंडल इट एट दैट टाइम एंड व्हाट मेमोरीज, वो किस तरह के आपको मेमोरीज ये रिफ्रेश किए इस कंट्रोवर्सी ने? कल ओलंपिक में ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, इसको देख के तो मेरा 2014 में मेरे साथ में जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी, 3 दिन से पहले टीम से मुझे नहीं लिया गया और निकाल दिया गया और कहा गया कि पूरी दुनिया में कि मेरा जेंडर टेस्ट हुआ था, इसमें मैं मेल पाया गया, इसलिए वुमेन कैटेगरी में नहीं खेल सकती हूँ करके। तो काफ़ी कठिनाई था उस टाइम का, काफ़ी लोग ने क्रिटिसाइज किया था मेरा, जेंडर को लेकर सवाल उठाया था, बहुत दिक्कत हुआ था उस टाइम में। मैंने नॉर्मल लाइफ जीने में भी दिक्कत हो रहा था उस टाइम में, आसपास में कहीं बाजार भी नहीं जा पाती थी, काफ़ी लोग सवाल करते थे, काफ़ी लोग ताना मारते थे। मैंने इतना मेहनत करके देश के लिए खेल रही थी मैंने, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे इतना बदनाम करा गया था उस टाइम में, कोई सपोर्ट नहीं करने के लिए पास में भी नहीं आई थी। फिर भी मैं जो स्ट्रेंथ के साथ मैंने ये केस को फाइट किया था, 2014 में मैं केस अप्ल किया था स्विट्जरलैंड में कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स, वहाँ पे वही मैं लिख के दिया था कि जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरल है, हार्मोन बनने से कोई लड़का बन नहीं जाता है कि ज्यादा ताकत नहीं हो जाता बॉडी में, वो नेचुरल हार्मोन, वो कभी पड़ता है तो कभी कम भी हो जाता है। आपने भी देखे होंगे हार्मोन के बजाय कहीं पे भी कुछ दिक्कत होता है किसी को, लेकिन मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुआ है। ऐसा भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है जहाँ पे मैं हार भी गया है, अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाया, क्योंकि एक एथलीट हमेशा परफॉर्मेंस उधर ही होता है जब वो कड़ी मेहनत करता है, जब सिस्टम के साथ वो ट्रेनिंग करता है तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो इसी को लेकर मैंने परफॉर्मेंस कर रही थी, मैंने इससे 2014 से पहले भी यूथ एशियन एथलेट चैंपियनशिप में भी मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडल लिया था, और उसी को देख के उन्होंने मुझे उन लोग को लगा कि मेरा हार्मोन के बजाय मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने टेस्ट करके मुझे निकाल दिया गया था। तो फिर मैंने चैलेंज किया कि जो हार्मोन लेवल बढ़ रहा है ये नेचुरल है और ये हार्मोन मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं देता है स्पोर्ट्स में, तो इसी को प्रूव करने के लिए 1 ईयर लिया था वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन वालों ने, लेकिन प्रूव करके नहीं दिखाया कि हार्मोन के बजाय कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो फिर मैं ट्रैक को वापस आया 2015 में और 2016 रियो ओलंपिक भी खेला मैंने, लेकिन दूती जी, अभी इस कंट्रोवर्सी को लेके जहाँ पे इमान खलीफ को एक्चुअली मेल पाया गया है कुछ टेस्ट में, उन्होंने साफ कहा है कि शी इज एक्चुअली अ मेल बॉक्सर एंड शी कैन नॉट कम्पीट, जैसे कि पिछले साल में जो दिल्ली में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुए, उन्होंने कहा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए ये? क्या दोनों ऐसे इस वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एक विमेन स्पोर्ट्स में? अभी आयुष के रूल तो क्या है मुझे इतना मालूम नहीं है, मेरे केस जो हुआ था मेरा हार्मोन लेवल ज्यादा बढ़ गया था जी, उसमें मुझे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि मेरा जो जेंडर मेल करके, मेरा फीमेल जेंडर है लेकिन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे टीम से खेलने के लिए रुका गया था। लेकिन केस जीतने के बाद ये जो प्रूव हुआ मेडिकल टीम ने जो प्रूव किया कि नहीं मेरा फीमेल है, मेरा हार्मोन लेवल टेस्टोस्टेरोन थोड़ा मात्रा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फिर इसको रिलीव करके मुझे खेलने को मौका दिया गया था। लेकिन अभी जो केस आ रहा है कि मतलब टेस्टिंग में जेंडर पाया गया कि मेल करके, तो वो तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं तो मेडिकल टीम के बारे में इतना मालूम नहीं है, साइंटिस्ट टीम के बारे में वो लोग क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन जो हार्मोन लेवल की बात उठी थी महिला के अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन मात्रा ज्यादा होने की आप खेल नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अन्याय था, गलत था। तो इसी को लेके मैंने भी फाइट किया था, 1 साल पूरा कंटिन्यू मैंने फाइट किया, काफी लोगों का एथलीट ऐसे एथलीट थे जिनका करियर पूरा मिट्टी में मिल गया था, आपने कास्टर सोमैनिया का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका की लड़की, इसको भी बैन करा गया था। इंडिया में शांति सुंदरंजन, पिंकी प्रमाणी, रश्मि, बहुत सारे ऐसे एथलीट है इनको भी बैन करा गया था। मैं जब केस जीत गया इन लोग को फिर खेलने को मौका मिला, तो जेंडर को तो इक्वलिट करना चाहिए क्योंकि फीमेल और मेल, लेकिन फीमेल के साथ मेल तो खेलना तो सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन मेडिकल टीम जो बोलेगा वो उसके ऊपर होगा, मुझे इतना मालूम नहीं। बिल्कुल।